गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पीके शर्मा लेक्चर नंबर 16 में आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। आज आइए हम आपको पढ़ाते हैं, ये हमारे टॉपिक्स हैं आज के लिए। सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है कि हमें ट्रांजिस्टर बैशिंग एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट, टॉपिक का नाम है। सबसे पहले तो ये समझें आप कि टॉपिक का नाम है आज हमारा ट्रांजिस्टर बैशिंग एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट। मैंने इसके पहले के लेक्चर में डीसी लोड लाइन का कॉन्सेप्ट दिया था। डीसी लोड लाइन के लिए हमने इक्वेशंस फॉर्म किए थे। आज हम ट्रांजिस्टर की बायसिंग पर बातचीत करेंगे कि ट्रांजिस्टर की बायसिंग कैसे करनी चाहिए हमें। बायसिंग करते समय, ट्रांजिस्टर की जब हम बायसिंग करते हैं तो किस चीज का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना होता है, इसके रिगार्डिंग में हमने कुछ ये टर्म बना के रखे हैं जो कि इस पॉइंट को कंप्लीट करने के लिए, इस पॉइंट की पूरी बात को एक्सप्लेन करने में सपोर्टिंग है। जैसे कि वन बाय वन मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखा हुआ। सबसे पहले ऑपरेटिंग पॉइंट का सिलेक्शन कैसे करते हैं, बायस स्टेबलाइजेशन की क्या क्यों आवश्यकता क्यों पड़ती है, स्टेबिलिटी फैक्टर का क्या मतलब होता है, बायसिंग सर्किट्स जो हमें बेटर बायसिंग सर्किट्स डिजाइन कर रहे हैं उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और देन हम पढ़ेंगे कि ऐसी अब कौन कौन सी बायसिंग सर्किट हम बना सकते हैं, कितने टाइप की बायसिंग सर्किट्स होती हैं। तो चीज़ें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पे। वन बाय वन हम सबके विषय में बारी बारी से बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि ट्रांजिस्टर बायसिंग का मतलब क्या है और ट्रांजिस्टर की बायसिंग करते समय हमें किस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, ट्रांजिस्टर बायसिंग या बायसिंग आप ट्रांजिस्टर भी कह सकते हैं, ट्रांजिस्टर की बायसिंग करने का मतलब ये है कि जो ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट है उसकी प्रॉपर शिफ्टिंग करना, उसको प्रॉपर तरीके से शिफ्ट करना। अब ये बात आती है कि भाई कहाँ पे शिफ्ट करना। तो आपको मैंने ट्रांजिस्टर के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंने आपको इसके पहले के वीडियो लेक्चर में ट्रांजिस्टर के बेसिक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सर्किट के विषय में बताया था, और वहां मैंने आपको समझाया था कि ट्रांजिस्टर की जो ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट मींस कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के केस में आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच खींचा गया ग्राफ क्या कहलाता है, ट्रांजिस्टर का कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन वाले ट्रांजिस्टर का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। और इस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने तीन डिजाइन में बांट रखा था, जैसे कि मैंने समझाया भी था आपको कि इसमें ये तीन डिजाइन हमने बताए थे आपको। इसको हमने कट ऑफ रीजन, ये आपका सैचुरेशन रीजन है, ये सब पहले मैं बता चुका हूँ, फिर से चूंकि यहाँ यूज में है इसलिए मुझे बताना है फिर से एक बार। और ये है आपका एक्टिव रीजन, ये आपका एक्टिव रीजन, ये आपका कट ऑफ रीजन, ये आपका सैचुरेशन रीजन और ये आपका एक्टिव रीजन। अब हमने आपको एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया था डीसी लोड लाइन का कि ट्रांजिस्टर के आउटपुट वोल्टेज व आउटपुट करंट के मध्य खींची गई स्ट्रेट लाइन डीसी लोड लाइन कहलाती है। अभी जो डीसी लोड लाइन खींची जा रही है, इस डीसी लोड लाइन के एक्टिव रीजन का जो मिडिल पॉइंट होता है वह मिडिल पॉइंट ही इसका क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग पॉइंट कहलाता है। ध्यान देंगे आप कि किसी ट्रांजिस्टर के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पर खींची गई डीसी लोड लाइन के एक्टिव रीजन के मिडिल पॉइंट को क्यू पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट कहते हैं, और इस ऑपरेटिंग पॉइंट को इस एक्टिव रीजन के मिडिल में प्रॉपरली
फिक्स करना ही एक प्रॉपर ट्रांजिस्टर की बाजिंग कहलाती है। तो आप मेरी बात को समझने का प्रयास करें कि अगर आपसे कोई कहता है ट्रांजिस्टर की बाजिंग क्या होती है, तो आपका जवाब है इसमें कि ट्रांजिस्टर के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के मध्य खींची गई डीसी लोड लाइन के एक्टिव रीजन का जो मिडिल पॉइंट है, जिसे आप क्यू पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट कहते हैं, उस ऑपरेटिंग पॉइंट को ही एक्टिव रीजन के ठीक बीचों बीच में फिक्स करना ही एक ट्रांजिस्टर की प्रॉपर पैसिव कहलाती है। और ऐसा करने से ही हमें, क्योंकि हम ट्रांजिस्टर का यूज एज ए एम्पलीफायर करना चाहते हैं, तो ऐसा करने पर ही हम ट्रांजिस्टर को एक फेथफुल एम्पलीफायर की तरह यूज कर पाएंगे। तो आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी कि ट्रांजिस्टर बायसिंग का मतलब क्या होता है। अब जो दूसरा पॉइंट इसके रिकॉर्ड में हम आपको बताने जा रहे हैं, थोड़ा और भी हम आपको बातें बताएंगे ताकि ऑपरेटिंग पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है और भी बेहतर तरीके से आप उसको क्लियर कर लें। तो आइए एक पॉइंट मैं अलग से बना के ही समझाऊं कि ऑपरेटिंग पॉइंट का मतलब और अच्छा हम कैसे समझ सकते हैं। ऑपरेटिंग पॉइंट को थोड़ा सा आप ध्यान दें यहाँ पे, तो ये आपकी बेस करंट है, ये आपकी बेस करंट है यहाँ मान लीजिए आपने 0 माइक्रो एम्पियर, 10 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर और ऐसे 30 माइक्रो एम्पियर अलग वैल्यू लिया आपने। हमने आपको डीसी लोड लाइन का एक क्वेश्चन पढ़ाया था, एक इनपुट के लिए दिया था और एक आउटपुट के लिए दिया था। जैसा कि आपने उसको समझने के बाद, वहां भी मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था ऑपरेटिंग पॉइंट का, बट मैं बहुत ज्यादा आपको इसमें अब चीजों को सिंपल वे में प्रेजेंट करने के लिए ही कहूंगा, ताकि सिर्फ इसकी क्या मीनिंग है ये आपको समझ में आ जाए। देखिए पहले तो भी एक लाइन इसके रिफरेंस में मैंने ऐसे बताया, तरीका ऐसे बताया कि ट्रांजिस्टर के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में खींची गई डीसी लोड लाइन के एक्टिव रीजन के मिडिल पॉइंट को क्यू पॉइंट कहते हैं। एक तो ये बताया आपको, दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि ऑपरेटिंग पॉइंट का मतलब ये कि इसके एक्टिव रीजन का वह मिडिल पॉइंट जहां इसके इनपुट करंट अर्थात आईबी, आउटपुट वोल्टेज वीसीई तथा आउटपुट करंट आईसी का मान फिक्स कर दिया जाता हो, ऐसे पॉइंट्स को ही हम उस ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट कहते हैं। इसीलिए यहां पे इन्होंने पॉइंट वर्ड का इस्तेमाल, पॉइंट मींस वो सारे पॉइंट्स जिनके फिक्स हो जाने से वह पॉइंट फिक्स हो जाए ऑपरेटिंग पॉइंट, और ऐसा करने से हम ट्रांजिस्टर को एक फेथफुल एम्पलीफायर की तरह यूज में ला सकते हैं। तो फिर से मेरी बात को ध्यान दें, ऑपरेटिंग पॉइंट का मतलब ट्रांजिस्टर के डीसी लोड लाइन के एक्टिव रीजन का एक ऐसा पॉइंट जहां बेस करंट दैट मींस इनपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज मींस डीसी, आउटपुट करंट मींस कलेक्टर करंट का मान फिक्स कर दिया जाता है, ऑपरेटिंग पॉइंट या की पॉइंट कहलाता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक हमारा ये आता है कि इस ऑपरेटिंग पॉइंट्स को वैरी कराने में, या यूं कह सकते हैं कि इनके मान में जो चेंजेस आते हैं वो कहां कहां से आ सकते हैं, किस किस वजह से इनके मानों में चेंज आ सकता है, कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, इसके लिए भी हमको पढ़ना चाहिए, थोड़ा जान लेना।
कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वैल्यू चेंज होने से इनका मान चेंज हो जाएगा, और इनका मान चेंज होने का मतलब कि पॉइंट अनस्टेबल हो जाएगा, फिक्स नहीं हो पाएगा, और जब ये फिक्स नहीं होगा तो आपको एक बेहतर एम्पलीफायर नहीं मिल पाएगा, एक बेहतर बायसिंग सर्किट नहीं मिलेगी। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको पॉइंट अपने से ही निकालना है कि इसके आगे अगला स्टेप क्या होना चाहिए। तो अगला स्टेप हमारा ये है कि आखिर में इन पॉइंट्स को फिक्स करने में कौन कौन सी दिक्कत आ रही है, अर्थात कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं जो कि मान को चेंज कर सकते हैं। अगर हम उन्हीं फैक्टर्स को कंट्रोल करना जान जाए तो इजिली हम व्यू पॉइंट एक बेटर व्यू पॉइंट पा लेंगे, और वो बेटर व्यू पॉइंट हमको एक हेल्पफुल ट्रांजिस्टर की बायसिंग सर्किट प्रोवाइड कर देगा, जिसको हम एज अ हेल्पफुल एम्पलीफायर की तरह यूज कर लेंगे। तो ऑन द होल अब हम लोग का अगला टॉपिक होगा फैक्टर्स विच विल अफेक्ट अ वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट्स, यानी ऑपरेटिंग पॉइंट्स को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो आइए इसको भी सीख लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा है फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑपरेटिंग पॉइंट्स, ऑपरेटिंग पॉइंट्स फैक्टर, सम इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्ट्स द ऑपरेटिंग। ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा कि ऑपरेटिंग पॉइंट्स को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो आप जान लें कि मूलतः अगर देखा जाए तो दो ऐसे विशेष फैक्टर्स होते हैं जिनके वैरी करने से, जिनके चेंज होने से आपके क्यू पॉइंट पर सीधा डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। पहला है, जिसमें पहला फैक्टर है ट्रांजिस्टर पैरामीटर, जिसमें पहला फैक्टर आता है ट्रांजिस्टर पैरामीटर, जिसको आप अल्फा या बीटा का नाम यहां दे सकते हैं, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो बीटा। दूसरा है इसमें टेम्परेचर वेरिएशन या टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर टेम्परेचर वेरिएशन या वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। ये दो ऐसे विशेष फैक्टर्स हैं जिनके चेंज होने से ऑपरेटिंग पॉइंट्स, दैट मींस क्यू पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट्स मींस क्यू पॉइंट हमारा अस्थिर हो सकता है, चेंज हो। अब ये जो इम्पोर्टेंट हमने फैक्टर्स बताए आपको ट्रांजिस्टर पैरामीटर और टेम्परेचर में वेरिएशन, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करके बताएंगे कि कैसे इनके चेंज होने से हमारे क्यू पॉइंट पर प्रभाव पड़ता है।